दिखाओ, चलो दिखा दो। ये सारे माला पड़ी हुई है और ये कुछ लिखा हुआ है इन पे, मेरा ख्याल है लॉकेट वगैरह। ये G69 क्वाड्रोकोर प्रोसेसर। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मरहबा, अहलन व सहलन, कैफ हालक, सबको मेरा सलाम, इंडिया वालों को नमस्ते और हाय हेलो टू ऑल अमेरिकन एंड वी गेट इन टू ऑल जर्मन फ्रेंड्स। फ्रेंच वाला मुझे आता नहीं, ट्वेल्थ से मैसी बकू, इसके अलावा मुझे कुछ आता नहीं। तो हाँ, इतने दिन हो गए कोई वीडियो नहीं बनाई, अच्छी वीडियो नहीं बनाई, डाली थी मैंने वीडियो ना दो, लेकिन इतने दिन से नहीं बनाई क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी था और पाकिस्तान आने की प्लानिंग कर रहा था, टिकट्स में, बुकिंग में, इन सब में मसरूफ था। तो अब मैं फ्री हूँ और जब इंसान फ्री होता है तो वो क्या करता है, वो व्लॉग बनाता है। तो आज जो व्लॉग बनेगा वो बनेगा सदबर्ग मार्केट का, जहाँ मैं सब मौजूद हूँ। पीछे के नज़ारे आप लोग देख रहे हैं, ये बड़ा खूबसूरत सा नज़ारा, बेहद हसीन नज़ारा। हाँ तो जी, इस घंटे का मैंने पता लगा लिया कि ये है क्या, मुझे तो चुपके बात करनी इसलिए पड़ी है क्योंकि और कुछ रखने की जगह थी नहीं, तो मैंने इसको यहीं पे रख दिया। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं नीचे बैठ ही जाता हूँ, ठीक है। हाँ तो ये जो मेरे पीछे इस वक्त मौजूद है, ये है TSIA। TSIA यानी मतलब ताजिकिस्तान स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट, यानी ये आर्ट का इंस्टीट्यूट है। तो इसके बारे में डिटेल ये है कि ये 1973 में इस्टेब्लिश हुआ था और उससे पहले ये एक म्यूज़ियम था। इनका जो म्यूज़ियम है अभी इस टाइम पे वो थोड़ा कहीं और लोकेटेड है। तो ये लोकेटेड कहाँ पे है, ये आइनी स्ट्रीट पे, यानी ये रोड है पूरी की पूरी, ये स्ट्रीट है, इसको आइनी स्ट्रीट बोलते हैं, रुद्री के बिल्कुल एज पे और बिल्कुल अपोजिट जो आपका सदबर्ग मार्केट प्लाज़ा है उसके बिल्कुल अपोजिट है। यानी ये है और ये यहाँ इस तरफ मैं दिखाता हूँ अभी, वो सदबर्ग प्लाज़ा। अगर आप रोड निकल जाएंगे सदबर्ग मार्केट प्लाज़ा से, अंदर और भी बहुत सारी शॉप्स हैं, लेकिन अगर आप सीधे जाते हैं तो लोकल एक मार्केट छोटी सी जो कि जहाँ पे बहुत सस्ता सामान आपको मिल जाता होता है, यानी ग्रोसरी वगैरह, बाकी चीज़ें, इस तरह की चीज़ें आपको बहुत सस्ती मिल जाती हैं लोकल, ज़्यादातर वहीं से शॉप। हाँ हाँ हाँ, ठंडी ठंडी हवा आती है जब आप फाउंटेन के पास जाओ। तो अभी मैं आगे जा रहा था तो एक बड़ी ही मज़े की एक चीज़ नज़र है जो मेरे पीछे है, ये कुछ आर्किटेक्चर टाइप का कुछ बड़ा प्यारा सा कुछ इन्होंने बनाया हुआ है, बड़े खूबसूरत है। मतलब इसमें एक आंटी लेटी हुई है और साथ मैं दिखाता हूँ, आप खुद डिसाइड करेंगे क्या चीज़ है। इसका मुझे पता नहीं है, इफ़ यू नो व्हाट इज़ दिस, व्हाट काइंड ऑफ मॉन्यूमेंट इट इज़, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। ये बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ मुझे एक नज़र आई है, बहुत प्यारी है, इन्होंने बनाया हुआ बड़ा प्यारा ही है ये, जो भी कुछ है बहुत खूबसूरत। और ये भी एक स्टैचू है जो यहाँ मौजूद है, आई रियली डोंट नो हु इज़ ही, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। अच्छा तो जी, अभी मैंने पूछा यहाँ पे जो लोकल फ्रेंड्स हैं हमारे साथ बैठे हुए थे, तो ये जो स्टैचू है ये सदरुद्दीन ऐनी का है, जो कि एक मुफक्किर थे, फ़कीर थे, ये उनका है। उसके अलावा जो ये एक यादगार बनी हुई है, ये इनकी जंग की यादगार बनी हुई है। ये फ़ाइटर्स हैं जो ये साथ आपको नज़र आएंगे यहाँ पे, जिनकी वॉर हुई थी तो उसमें ये रशिया और ताजिक और ये सारे मिला के, तो ये वो चीज़ है। तो ये सदरुद्दीन ऐनी का है और ये एक वॉर की यादगार भी है साथ साथ सदरुद्दीन ऐनी, क्योंकि इस पूरी स्ट्रीट को हम ऐनी स्ट्रीट बोलते हैं, तो ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सदरुद्दीन ऐनी का जो स्टैचू है वो यहाँ पे मौजूद है। तो एक और मॉन्यूमेंट है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, इनकी वॉर जो इनकी हुई थी उसकी निशानदेही करता, तो वो भी बड़ा ही खूबसूरत सा है और थोड़ा आर्टिस्टिक भी है लेकिन थोड़ा वायलेंट भी लगता है, लेकिन बड़ा मज़े का। तो ये वॉर का इनका, ये आप देख सकते हो, बड़ा ही मज़े का स्टैचू है। तो सदरुद्दीन ऐनी इनका स्टैचू, बड़ी ही अच्छी हिस्ट्री इनकी और बहुत ही प्यारी इसकी पत्ते पड़े यहाँ पे गुलाब के, बड़ा मज़े की यहाँ फूल बहुत ज़्यादा इस तरह के। तो ये इनकी जंग का जो सूरत हाल था ये उसकी यादगार है, और सामने आपको यूनिवर्सिटी दिखा दी और थोड़ी सी हिस्ट्री की बता दी, पार्क दिखा दिया, तो अभी मार्केट की तरह चलते हैं। तो ये मैं एक्नॉलेज करना चाहूँगा कि काफ़ी खूबसूरत कंट्री है ये, काफ़ी खूबसूरत शहर है ये, इनका कल्चर बहुत ज़्यादा रिच है पाकिस्तान की तरह, और हमारा भाईचारा ऐसा चलता रहे, तो जैसे भाईचारा चलता रहेगा वैसे ये ब्लॉग भी चलता रहेगा। तो ठीक है, लोग चलते हुए जा रहे हैं और मुझे पागल समझ लो, तो इससे पहले कि मुझे ज़्यादा पागल समझें मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। तो ये एक मैं चीज़ बताना भूल गया और दिखाना भी भूल गया कि यहाँ पे अंडरग्राउंड रास्ते भी हैं, यानी रोड क्रॉस करने के लिए सामने आप देख लेंगे एक लड़का बैठा हुआ, तो यहाँ से आप नीचे जाके सड़क के उस तरफ से निकल सकते हैं, जैसे अंडरपास होते हैं ना लाहौर में, इस्लामाबाद में, तो वैसे यहाँ पे इस तरह के हैं कि आप यहाँ नीचे से जाएँ
और वहाँ से, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी स्ट्रीट है एनी स्ट्रीट, तो लोग इन रास्तों को यूज़ करते हैं ताकि इस ट्रैफिक से, आप देख सकते हैं कितना ट्रैफिक है, इस ट्रैफिक से निकल के पहुँच सके। तो मेरे बाल थोड़ा डायल लग रहा होगा, हाँ मैंने किया है तो लुक गुड। तो ये अभी थोड़ा सा ऊपर से नीचे हम आ गए हैं, तो इसके सामने पार्क जो है छोटा सा, इतना ही नहीं है ये पार्क, बहुत बड़ा है, इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, बहुत दूर तक ये पार्क जाता है। ये देखें आप कितना एंड तक वो जा रहा है वहाँ पे। तो ये जो है इनकी वन ऑफ द बिजिएस्ट मार्केट में से एक है, सदर मार्केट। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट्स भी हैं, पीछे आप देख सकते हैं शीशा कैफेज़ भी हैं। यहाँ पे फॉरेनर्स की रेल पेल भी ज़्यादा होती है शाम के टाइम, यहाँ पे आवाम बहुत ज़्यादा निकलती है, दिन पूरा गर्मी होती है गर्मियों में, सर्दियों में तो यहाँ पे बर्फ़ बर्फ़ होती है, तो वो यहाँ निकल के चहल पहल करते हैं। अभी भी लोग बैठे हैं काफ़ी ज़्यादा बेंचेस पे, और ठंडक का एहसास, थोड़ा मौसम का मज़ा ले रहे हैं क्योंकि आज हवा चल रही है अच्छी, मेरे बाल टूटते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे आज बड़े दिनों बाद। तो ये है इनका पार्क जो बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी मज़े की ये है, जैसे अभी पीछे मैंने बताया आपको ये दरख्त के नीचे में आ गया, कि इनके वो जो रास्ते हैं नीचे जाने वाले, अच्छा वो सिर्फ रास्ते नहीं हैं, वो एक अलग ही दुनिया है। देखा, चलो दिखा। तो ये जो इनके अंडर पास है ना, इन अंडर पासेस में भी अच्छी खासी मार्केट्स का जो है इंतज़ाम किया गया है, यानी जो गुजर रहा है वो गुजरते गुजरते भी शॉपिंग कर ले। देख सकते हैं आप परफ्यूम्स वगैरह और बाकी चीज़ें। अच्छा, डस्टबिन भी यहाँ पे साइड पे लगे हुए हैं ताकि कूड़ा कचरा सफाई सुथरा, ये आपने देखा होगा पाकिस्तान में बहुत कमी है सफाई की है, बाहर के जितने भी मुल्क सब में सफाई बहुत ज़्यादा। तो ये हम नीचे आ गए हैं, तो ये आप देख सकते हैं अलग ही नज़ारा नीचे अंडर पास में, मार्केट ही अलग है। तो यहाँ पर खूबसूरत से यहाँ पर परफ्यूम्स मिलते हैं, किधर से आगे जाएँ इंची बाशे, ये परफ्यूम टाइप होते हैं जिनको, ये छोटी छोटी यूनिशन मिलता यूट्यूब के लिए, तो ये इस तरह के होते हैं जिन पे ये डाल के देते हैं, और इसका बॉडी स्प्रे की तरह यूज़ कर सकते हैं। परफ्यूम वगैरह हैं ये सारे के सारे, तो बहुत चीप यहाँ पर परफ्यूम वगैरह भी ले सकते हैं, स्प्रे अलग अलग बॉटल्स हैं यहाँ पे, ये इस तरह की भी बॉटल्स में आप ले सकते हैं अगर आप आते हैं यहाँ पे टूरिस्ट बन के या स्टूडेंट बन के, तो ये बड़ा आपको सस्ता मिल जाता है। ये इस तरह के भी हैं, तो ये छोटी छोटी बॉटल्स और भी हैं, तो ये पैक करा के फैमिली के लिए गिफ्ट आप ले सकते हैं। तो ये इस तरह के हैं, ये सारे परफ्यूम की खुशबुएँ पड़ी हैं, तो आप सिलेक्ट करेंगे तो ये सिरिंज की तरह का इनका ये होता है, जिससे ये निकाल के फिर ये इन बॉटल्स में डाल के दे देते हैं, और इनको फिर आप यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बड़े खुश हुए अंकल जी, क्योंकि मैंने शॉप की प्रमोशन कर ली। तो ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं आप देख सकते हैं, आँखों के लिए चश्मे, आँखें कह रहा हूँ मैं बिल्कुल, उसके अलावा फ़ोन की एक्सेसरीज इनकी, ये वो। गुजरते गुजरते अब वहाँ से मैं स्ट्रेट आया था, यहाँ से मैं स्ट्रेट आया था, और अब यहाँ से स्ट्रेट जाके मैं यहाँ से ऊपर निकल जाऊँगा रोड की दूसरी तरफ, लेकिन वहाँ से यहाँ जाते जाते बीच में शॉपिंग का और भी एक मैं कर सकता हूँ, वो एक मज़े की चीज़ ख़वातीन के लिए, फॉर लेडीज़ आई हैव टू शो यू दिस। तो ये एक सिस्टम है यहाँ पे, बड़ा मज़े का नज़र है। अगर किसी लड़की को गिफ्ट लेना हो यहाँ से स्टूडेंट वगैरह, तो यहाँ से वो ले सकती है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है यहाँ पे, ये इयरिंग्स टाइप कुछ हैं, ये चेन्स टाइप कुछ हैं, पता नहीं लिखा हुआ क्या है इसका, नज़र नहीं आ रहा मुझे। और ये बड़ा ही खूबसूरत आर्टिफिशियल है, इधर मैं एक से रेट भी पूछता हूँ। बाकी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर, ये दूसरी साइड पर ना, ये आप देख सकते हैं बड़ी खूबसूरत सी चीज़ें हैं, ये माला पड़ी हुई है, और ये कुछ लिखा हुआ है इन पर, मेरा ख्याल है लॉकेट्स वगैरह पे आए, तो कुर्सी वगैरह कुछ लिखी होगी, ज़रा मैं एक मिनट ये उठा के देखता हूँ और दिखाता हूँ आपको। तो ये आप देख सकते हैं, फोकस अगर हो जाए तो, ये टर्किश डिज़ाइन है, क्योंकि ये नज़र के लिए होता है। तो ये भी एक है 60 बस ची भाषा है, निवश तेरे भाषा बुझी तेरे ये 60 समोन का ये एक था, और ये इस तरह की और भी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो बड़ी वर्सटाइल किस्म की ये मार्केट है, ये वो पड़ी हुई है, ये इलास्टिक वगैरह आपको हर चीज़, ये बैंड है बड़ा मज़े का है, नहीं तार है, तार जैसा बैंड है, पोनी है, बड़े आर्टिस्टिक लोग हैं यहाँ पे भी, चाबी वाले होते हैं जो चाबियाँ बना के देते हैं, ये चाबी वाला सिस्टम है, तो यहाँ पे चाबियाँ वगैरह भी बन जाती होती हैं, लॉक्स में तो भी हैं यहाँ पे। तो परफ्यूम दिखा दिया बस, अब इस अंडर पास से हम निकल रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं दोबारा मार्केट की तरफ, पसीना पड़ा गया है, तो ऊपर जा रहे हैं अभी। तो यहाँ पे लोग जब गुजरते हैं तो ये हाय हेलो करते रहते हैं, तो ऊपर जा रहे हैं अब दोबारा मार्केट की तरफ, दिखा के फिर इसको इख्तिताम करते हैं ब्लॉग का। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, देखें ये एक बड़ा स्मार्ट मूव था इनका कि नीचे इन्होंने मार्केट बना दी, क्योंकि सामने यूनिवर्सिटी है और ये को एजुकेशन है, तो लड़के भी पढ़ते हैं, लड़के भी पढ़ती हैं, तो लड़कों के लिए रिंग्स थी,
लड़कियों के लिए लॉकेट्स वगैरह और ये बाकी सारी चीज़ें थीं। तो मार्केटिंग का एक अच्छा स्ट्रैटेजी था इनका कि गुजरेंगे बच्चे नीचे से और रोड क्रॉस करने के लिए तो चीज़ें भी साथ में ख़रीद लेंगे। वेरी स्मार्ट, नाइस मूव। तो आगे एक मार्केट दिखा के फिर वो एक जो सस्ती होलसेल की मार्केट है वो दिखा के व्लॉग को करते ख़त्म। तो चलते चलते फिर ले ही लिया आइसक्रीम मैंने, फिर अच्छी है, बहुत मज़े की है, वेरी नाइस। तो ये है जी सदबर्ग प्लाज़ा, मोबाइल फ़ोन की मार्केट और इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस की मार्केट और उसके अलावा ज्वेलरी शॉप्स, सब कुछ मिलेगा यहाँ पे आपको। देख सकते हैं कि ऐसे फ़ोन लिए जाते हैं। तो ये Redmi कौन सा है, 11S Redmi 2000 वो सिर्फ, तो अरे प्रो को एक दफा देख लेते हैं कि है कितने का। तो ये चेक करें, Redmi Note 11 Pro 108 मेगापिक्सल प्रो गाइड मेन कैमरा, 67 वॉट चार्जिंग, 120 हर्ट्ज डिस्प्ले, हाई परफॉर्मेंस मीडिया टेक हेलियो, G69 क्वाड कोर प्रोसेसर। तो ये है डुअल सिम है, ये 128 तो 6 GB रैम और 128 GB इसकी मेमोरी है। तो चंद पुल आगे दो सर 2800 सोमोनी का ये है, तो पाकिस्तानी 2800 आप 25 से मल्टीप्लाई करो तो ये कीमत इसकी बनती है। तो इस तरह के यहाँ पे आप फ़ोन की भी शॉपिंग कर सकते हो, लेकिन वो PTA अप्रूव तो होंगे नहीं, तो पाकिस्तान में रेट इससे ज़्यादा होंगे। चलो फिर आगे देखते हैं। तो ये बाकी एक्सेसरीज वगैरह यहाँ पे, कवर वगैरह हर एक चीज़ आप सारे आप ले सकते हो। ये एक्सेसरीज हैं इनके यहाँ पे, ये सारी, ये एयरफोन और ये हेडफोन, कार चार्जर और ये उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, चार्जर, आईफोन के बड़े कवर्स यहाँ पे मिलती हैं। आईफोन यूज़र बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा कवर्स हैं आईफोन के यहाँ पे इस तरह के मार्केट में। तो जब तक ये अपने फ़ोन की लड़ाई जारी रखते हैं, मैं ज़रा बाहर निकल के आपको बड़ा प्यारा सा नज़ारा दिखाता हूँ, फिर आगे मार्केट। और उसके बाद ये है शाम का वक्त, और शाम का नज़ारा, क्योंकि शाम हो चुकी है, बादल हैं आसमान पर, आज शुक्र है अल्लाह का कि मौसम थोड़ा बेहतर है, नीले नीले आसमान पे सफ़ेद सफ़ेद पिंक पिंक बादल मिक्स हुए हुए। तो सदबर्ग प्लाज़ा है जो कि शाम के 7 बजे तक बंद हो जाता है। तो अभी टाइम शायद 7:20 हो रहे हैं, यू कैन सी, फोकस हो जा, हो गया फोकस, 7:20 हो रहे हैं शाम के, तो ये बंद हो चुका है अभी इस टाइम पर। ये है जो लोकल मार्केट है सदबर्ग प्लाज़ा के साथ, ये प्लाज़ा पूरे का पूरा चल रहा है, वहाँ से हम आए थे और अब आगे जा रहे हैं। तो ये पूरे का पूरा प्लाज़ा बहुत बड़ा है, बाहर नहीं था। तो ये अब आगे हम लोकल मार्केट जो स्टार्ट हो रही है यहाँ से, होलसेल भी आज थोड़ा रश का में अच्छा है। तो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, शाम को ट्रक या गाड़ियाँ आके खड़ी होती हैं और उनके पीछे गोश्त वगैरह मिलता है, यानी फ्रेश ज़बा किया हुआ गोश्त वो मिलता है। तो ये साथ पार्क जो मैंने दिखाया था उसमें भी ये चल रहा है, साथ साथ एंड तक जाता है, और ये अभी भी ये प्लाज़ा चल रहा है जो बहुत बड़ा, वहाँ से स्टार्ट होता है और ये आगे तक जा रहा है। और साथ साथ मार्केट भी है जो लोकल, जहाँ की चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं, होल सेल पर मिल जाती हैं। मैं दिखाता हूँ, जैसे कि ये एक शॉप है जहाँ से होल सेल पर आप चीज़ें ले सकते हैं, टॉयलेट की, और इसके अलावा बहुत सारी नीचे फ्रूट वगैरह यहाँ पे पड़े हैं, केला और ये पता नहीं क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं, देख ही लेते हैं। अंगूर है, केला है, चेरी है, उसके अलावा ये खुबानी भी है, आड़ू भी है, बहुत कुछ है, अंजीर भी है वो सामने, तो बहुत कुछ यहाँ पे पड़ा। तो फ्रूट मार्केट है ये, नान यहाँ पे जो नान होते हैं वो इस तरह के होते हैं, इनको कहते हैं फिलिप, ये इस तरह के नान होते हैं जो ये खाते हैं, मैं भी खाता हूँ, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। तो ये इस तरह की मार्केट है सामने, और ब्रेड वगैरह यहाँ पे फ्रेश, ये बिल्कुल फ्रेश है यहाँ पे जो ब्रेड है, मैं टच तो नहीं करूँगा लेकिन टोटली फ्रेश ब्रेड है ये। तो इस तरह की ये भी मार्केट है, ये सरदा करना। तो ये इस तरह की ये जूस शॉप्स हैं गर्मियों में यहाँ पे होती हैं, ये वही मेरे पहले ब्लॉग में पता था चार्ज का, और ये ऐसे छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स होल सेल पर, वाटर बॉटल्स एंड एवरी थिंग यू कैन गेट फ्रॉम दिस मार्केट। ये बिल्कुल उसके पीछे बैक पे है, तो फ्रूट से लेके सब्ज़ी से लेके हर चीज़ यहाँ पे आपको अच्छे दामों पे मिल जाती है, क्योंकि यहाँ से करीब ही रेस्टोरेंट की आइसक्रीम भी देख सकते हैं आप, बड़ी मज़े की यहाँ पर रेजिन वाली आइसक्रीम होती है जो बड़ी च्यूई होती है। तो यहाँ पर आके मार्केट ख़त्म हो जाती है और आगे दूसरी मार्केट स्टार्ट होती है, वहाँ हमने जाना नहीं है। तो होलसेल का और एक जो पार्ट था मैं वो दिखाता हूँ आपको, बस ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता, ये वाला जो पार्ट है पीछे वाला यहाँ तक ये एंड हो जाती है। तो बस ये मार्केट थी, ये ब्लॉग था, बता दे सब कुछ, और उसके बाद अब सब कुछ ख़त्म, पार्क फिर अगली कभी दफ़ा,
तो अगेन एडमिशन्स आर ओपन, ऑल द डिटेल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड ऑल द लिंक्स टू माई प्रीवियस व्लॉग्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, कॉन्टैक्ट्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो. टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज़. I'm not afraid to die.